अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके पास इनइक्वालिटीज़ थी, वहाँ पे भी आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास इनइक्वालिटी थी वो सिंगल इनइक्वालिटी थी, मीन के जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन था वो एक बार था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास डबल इनइक्वालिटी है, यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी का 2 बार साइन है। सो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपके पास इसकी मिडल वैल्यू है इसको आप सेपरेट करेंगे। एक बार आप इसको इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे, मींस कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पार्ट 1 में आपके पास वैल्यू है -4 is less than 3x +5 is less than 8। एक बार आप इसको इसके साथ लिखेंगे, ये आपके पास आएगा -4 is less than 3x +5। देन एक बार आप इस वैल्यू को 8 के साथ लिखेंगे, सो यहाँ आएगा 3x +5 is less than 8। देन 1 by 1 आप दोनों को सॉल्व करेंगे। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को सॉल्व किया था। x की वैल्यूज़ को एक साइड पे करेंगे और कॉन्स्टेंट एक साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा -4, 5 इधर आके -5 हो जाएगा, less than 3x। देन यहाँ से आएगा -9 is less than 3x। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, सो 3 लेफ्ट साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे, यहाँ आएगा -9/3 is less than x। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 are 9, सो यहाँ आएगा -3 is less than x। देन आप नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा 3x is less than 8, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा 3x is less than 8, -5 आएगा 3। देन 3 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो ये आएगा x is less than 3/3, 3 3 के साथ कैंसिल, सो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x is less than 1। देन आपने लास्ट में दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखना है सॉल्यूशन सेट में। सो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे उसमें आपके पास आएगा x सच दैट, मिड में आप x लिखेंगे। देन आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करना है। यहाँ पे देखें -3 less than है x से, मीन के -3 छोटा है x से और x ग्रेटर देन है -3 से, क्योंकि जो इसकी ओपन साइड है वो x की साइड पे है। जब भी आपके पास इनइक्वालिटी की ओपन साइड जिस साइड पे होगी, इसका मतलब कि वो वैल्यू आपके पास बड़ी वैल्यू है, मीन के ग्रेटर देन है। जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन है -3 से, और जिस साइड पे उसकी क्लोज साइड होगी वो साइड आपकी लेस देन होगी। सो यहाँ पे आप लिखेंगे -3 is less than, ओपन साइड आपके पास x की साइड पे थी, सो आपने यहाँ पे भी ओपन साइड x की तरफ रखी। देन यहाँ पे आपके पास है x is less than 1, सो यहाँ पे आएगा x is less than 1। इस तरह से आपने दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखना है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2 है, ये आपके पास वैल्यू है -5 is less than or is equal to 4 - 3x by 2 is less than 1। यहाँ पे भी आप सेंटर वाली वैल्यू को एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे, सो ये आएगा -5 is less than or is equal to 4 - 3x by 2। देन सेकंड वैल्यू आएगी 4 - 3x by 2 is less than 1। देन आप सॉल्व करेंगे 1 by 1 दोनों को, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो ये आएगा -10 is less than or is equal to 4 - 3x। देन कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लें, ये आएगा -10 - 4 is less than or equal to -3x। यहाँ से आपके पास आएगा -14 - 3x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, सो -3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास x के साथ वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, और ये बात मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाई थी कि जब भी हमारे पास x के साथ नेगेटिव वैल्यू होगी और उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, लेस देन होगी तो ग्रेटर देन हो जाएगी और ग्रेटर देन होगी तो लेस देन हो जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास आएगा -14 - -3 is greater than or is equal to x, माइनस माइनस के साथ कैंसल, सो आपके पास वैल्यू आएगी 14 - 3 is greater than or equal to x। देन आप नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 4 - 3x
टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो ये आएगा टू वन ज़ा टू। नेक्स्ट आएगा माइनस थ्री एक्स इज़ लेस देन फोर, इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो यहाँ आएगा टू माइनस फोर। नेक्स्ट आएगा माइनस थ्री एक्स लेस देन टू माइनस फोर आएगा माइनस टू। माइनस थ्री को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे सो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस का साइन है। सो यहाँ आएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस टू बाय माइनस थ्री, माइनस माइनस के साथ कैंसल। यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन टू बाय थ्री, ये आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। लास्ट में आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में आपके पास आएगा एक्स सच दैट, मिड में आपके पास एक्स आएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू है 14 बाय थ्री ग्रेटर देन एक्स। यहाँ पे जो 14 बाय थ्री है वो एक्स से ग्रेटर देन है, मींस के एक्स इस वैल्यू से लेस देन है आपके पास, क्योंकि जो एक्स की साइड पे है वो इसकी क्लोज साइड है। सो यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 14 बाय थ्री, क्योंकि 14 बाय थ्री इससे ग्रेटर है सो यहाँ पे आपके पास इसकी ओपन साइड आएगी, और यहाँ पे आपके पास एक्स की साइड पे इसकी क्लोज साइड थी सो यहाँ पे भी इसकी क्लोज साइड आई, मींस के एक्स लेस देन है 14 बाय थ्री से। नेक्स्ट आपके पास है एक्स ग्रेटर देन टू बाय थ्री, एक्स जो है वो ग्रेटर देन है टू बाय थ्री से, लेकिन टू बाय थ्री लेस देन है एक्स से, सो आप यहाँ लिखेंगे टू बाय थ्री इज़ लेस देन एक्स। यहाँ पे देखें ओपन साइड एक्स की साइड पे थी, और यहाँ पे भी जो इसकी ओपन साइड है वो एक्स की साइड पे है। ये आपके पास आ गया इसका सोल्यूशन सेट, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट थ्री है, इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस सिक्स इज़ लेस देन एक्स माइनस टू बाय फोर। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी एक्स माइनस टू बाय फोर इज़ लेस देन सिक्स। फोर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा सो ये आ जाएगा फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर इज़ लेस देन एक्स माइनस टू। देन माइनस टू इधर आके प्लस होगा सो यहाँ आएगा माइनस ट्वेंटी फोर प्लस टू लेस देन एक्स। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी माइनस ट्वेंटी टू इज़ लेस देन एक्स। नेक्स्ट आपके पास आएगा एक्स माइनस टू, फोर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर। देन आएगा एक्स माइनस टू इधर जाके प्लस होगा सो यहाँ आएगा ट्वेंटी फोर प्लस टू। नेक्स्ट आएगा एक्स इज़ लेस देन ट्वेंटी सिक्स, ये आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। अब लास्ट में आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके सोल्यूशन सेट में लिखेंगे सो आपके पास आएगा एक्स सच दैट, मिड में आप एक्स लिखेंगे। देन यहाँ पे देखें माइनस ट्वेंटी टू लेस देन एक्स है सो ये आएगा माइनस ट्वेंटी टू इज़ लेस देन एक्स। देन एक्स लेस देन है ट्वेंटी सिक्स से सो ये आ जाएगा एक्स इज़ लेस देन ट्वेंटी सिक्स, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट फोर है, वैल्यू आपके सामने है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे देन वन बाय वन दोनों को सॉल्व करेंगे। टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा सो ये आएगा टू थ्री ज़ार सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन माइनस एक्स। देन सेवन को आप इस साइड पे कर लेंगे, ये आएगा सिक्स माइनस सेवन माइनस एक्स। सिक्स माइनस सेवन आएगा माइनस वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स। देन यहाँ पे देखें एक्स के साथ माइनस का साइन आ रहा है सो माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे आप माइनस को डिवाइड करेंगे, और जब आप माइनस को डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी सो माइनस माइनस आपके पास आएगा प्लस वन। इनइक्वालिटी आपके पास आएगी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आएगा प्लस एक्स, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। देन आप सेकंड को सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा सेवन माइनस एक्स, टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा सो ये आएगा टू। देन यहाँ आएगा माइनस एक्स, सेवन इधर जाके माइनस हो जाएगा सो ये आएगा टू माइनस सेवन। देन आएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू माइनस सेवन आएगा माइनस फाइव। देन आपने माइनस के साइन को ख़त्म करना है सो दोनों साइड्स पे माइनस को डिवाइड करें, जब माइनस को डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी सो यहाँ आएगा प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू प्लस फाइव, ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई। देन आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे और इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा एक्स सच दैट, मिड में आप एक्स लिखेंगे। देन यहाँ पे देखें वन लेस देन है एक्स से सो ये आएगा वन इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स लेस देन है फाइव से सो ये आएगा एक्स लेस देन और इक्वल टू फाइव, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट फाइव है, इसमें भी आप इसको टू पार्ट्स में सेपरेट करेंगे देन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आएगा थ्री एक्स लेस देन और इक्वल टू
माइनस टेन इधर आके प्लस टेन होगा, सो यहाँ आएगा प्लस टेन, देन आएगा थ्री एक्स लेस देन और इक्वल टू फिफ्टीन, थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होगा, सो यहाँ आएगा फिफ्टीन बाय थ्री, देन ये कैंसिल, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, वैल्यू आपके पास आएगी थ्री इज़ लेस देन और इक्वल टू फाइव, देन आप सेकेंड को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा फाइव, थ्री इधर प्लस है इधर जाके माइनस होगा, सो यहाँ आएगा माइनस थ्री इज़ लेस देन एक्स, देन यहाँ से आएगा टू इज़ लेस देन एक्स, ये आपके पास सेकेंड वैल्यू आ गई, देन आप दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखेंगे सोल्यूशन सेट में, सो लास्ट में आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, यहाँ आएगा एक्स सच दैट, मिड में आप एक्स लिखेंगे, देन यहाँ पे देखें टू आपके पास लेस देन है एक्स से, सो आप यहाँ लिखेंगे टू इज़ लेस देन एक्स, देन एक्स लेस देन है फाइव से, सो आप यहाँ लिखेंगे एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू फाइव, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सिक्स है, इसको आपने दो पार्ट्स में सेपरेट कर लिया, देन यहाँ पे आप इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, माइनस फाइव इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो ये आएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो ये आएगा फिफ्टीन इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस फोर, देन माइनस फोर इधर आके प्लस होगा, सो यहाँ आएगा प्लस फोर, देन यहाँ से वैल्यू आएगी नाइनटीन लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये आपके पास एक्स की फर्स्ट वैल्यू आई, देन आप सेकेंड सॉल्व करेंगे, सो यहाँ आएगा एक्स माइनस फोर, माइनस फाइव इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ आएगा माइनस ट्वेंटी, देन यहाँ आएगा एक्स लेस देन माइनस फोर इधर जाके प्लस होगा, सो ये आएगा माइनस ट्वेंटी प्लस फोर, देन यहाँ से आएगा माइनस सिक्सटीन, ये आपके पास एक्स की सेकेंड वैल्यू आ गई। अब आप दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, सो आपके पास आएगा एक्स सच दैट, मिड में आप एक्स लिखेंगे, यहाँ पे देखें नाइनटीन एक्स से लेस देन है, सो आपके पास आएगा नाइनटीन लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन एक्स जो है वो लेस देन है सिक्सटीन से, सो यहाँ आएगा लेस देन माइनस सिक्सटीन, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेवन है, यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लिया, नेक्स्ट इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास है वन माइनस टू एक्स, जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साइड पे करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करेंगे, सो यहाँ आएगा माइनस टू एक्स, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स होगा, देन आएगा फाइव, प्लस वन इधर आके हो जाएगा माइनस वन, देन यहाँ से आपके पास आएगा माइनस एक्स, फाइव माइनस वन आएगा फोर, माइनस वन को अब आपने ख़त्म करना है, सो माइनस वन को दोनों साइड्स पे आप डिवाइड करेंगे, सो जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस आ रहा है एक्स के साथ, सो यहाँ आएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर, कि आपके पास एक्स की फर्स्ट वैल्यू आई, देन आप सेकेंड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स, माइनस सिक्स इधर आके प्लस सिक्स होगा, सो यहाँ आएगा प्लस सिक्स एक्स, देन आएगा ट्वेंटी फाइव, प्लस फाइव इधर आके हो जाएगा माइनस फाइव, देन यहाँ से आएगा फाइव एक्स लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव आएगा ट्वेंटी, देन फाइव इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ये आएगा एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी बाय फाइव, देन ये हो जाएगा कैंसल, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, यहाँ पर आएगा एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू फोर, ये आपके पास एक्स की सेकेंड वैल्यू आ गई, देन लास्ट में आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट में आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखेंगे, सो यहाँ आएगा एक्स सच दैट, मिड में एक्स लिखेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास जो एक्स है वो ग्रेटर देन है माइनस फोर से और माइनस फोर लेस देन है एक्स से, क्योंकि जो ओपन साइड है इसकी वो एक्स की साइड पर है, सो इसकी ओपन साइड आप एक्स की साइड पर रखेंगे और यहाँ आएगा माइनस फोर, देन एक्स जो है वो लेस देन है फोर से, सो यहाँ लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू फोर, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टू का लास्ट पार्ट है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन वन बाय वन सॉल्व करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है थ्री एक्स माइनस टू लेस देन टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यूज़ को आप एक साइड पर करेंगे, सो ये आएगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स लेस देन वन, माइनस टू इधर आके हो जाएगा प्लस टू, सो यहाँ आएगा वन प्लस टू, नेक्स्ट यहाँ से आएगा x इज़ लेस देन वन प्लस टू थ्री, ये आपके पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई, देन आप सेकंड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा टू एक्स, फोर इधर आके हो जाएगा माइनस का, सो यहाँ आएगा माइनस फोर एक्स, देन आएगा सेवनटीन, प्लस वन इधर आके हो जाएगा माइनस वन, देन यहाँ से आएगा टू माइनस फोर माइनस टू एक्स,
लेस देन 16, माइनस टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखें माइनस की वैल्यू है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। सो यहाँ आएगा x इज़ ग्रेटर देन 16 बाय माइनस टू, ये हो जाएगा कैंसल, 2 8 16। सो आपके पास x की वैल्यू आएगी -8, ये आपके पास x की सेकंड वैल्यू आ गई। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सो आपके पास आएगा x सच दैट x मिड में आएगा। देन यहाँ पे देखें x जो है वो लेस देन 3 से है, सो आप यहाँ लिखेंगे x इज़ लेस देन 3। सेकंड वैल्यू आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन -8, x जो है वो ग्रेटर देन है -8 से, लेकिन जो -8 है वो x से लेस देन है क्योंकि जो इसकी ओपन साइड है वो x की साइड पे आ रही है। सो x ग्रेटर देन है, सो इसकी ओपन साइड आप x की साइड पे ही रखेंगे। देन यहाँ आएगा -8, ये आपके पास आ जाएगा -8 इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन 3। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन सेट और यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ ही आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।